शिमला, बिलासपुर और धर्मशाला के बाद अब हमीरपुर जिला में भी भारी बरसात का दौर जारी हो गया है। बरसात के होने से एक और जहां गर्मी से निजात मिली है, वहीं दूसरी ओर नालियों में अधिक पानी बहने की बजाय आम जनता के अलावा बस स्टैंड के साथ खोखा धारकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से उनकी इस समस्या को जल्द हल करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि हमीरपुर के बस अड्डे के सामने खोखा मार्केट से कुछ समय पहले कुछ दुकानों को हटाया था, लेकिन इसके साथ ही वहां पर बनी नाली भी टूट गई थी और वहां पर सीवरेज का गंदा पानी भी इसी नाली में बह रहा है, जिसकी वजह से नाली में गंदगी के साथ साथ बदबू भी हो गई है और अब काफी बरसात के कारण इस नाली ने खड्ड का रूप धारण कर लिया है, जिस कारण अब खोखा धारकों को अपनी दुकानों की चिंता सताने लगी है। खोखा धारक का कहना है कि भारी बरसात होने की वजह से पानी ही पानी हो गया है और दुकान के बाहर बनी नाली में अधिक पानी होने से खड्ड का रूप ले लिया है, जिस कारण अब उन्हें दुकान में रखे सामान और दुकान के गिरने की चिंता सताने लगी है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि पानी की निकासी और उनकी इस समस्या को हल किया जाए। पानी आ रहा है, बरसात का बहुत ज्यादा पानी आ रहा है और हमारी जो गिर जाएंगी विकास में आगे भी इतना बड़ा नाला कर दिया, आप पीछे करने के लिए कर रहे हैं। हमारी दुकानों को तो बड़ा ही मुश्किल है कि बरसात में पानी आ रहा है, बेहद पानी आ रहा है, माल खराब हो रहा है, छोटा सा कारोबार है हमारा। विकास में से हमारी यही उम्मीद है, यही चाहते हैं हमें कि इसका कोई हाल निकाले पानी का, निकासी का कोई। जैसे ये नाली ये फुटपाथ के लिए खोद के रखी थी तो इसके लिए भी एक महीने से ऊपर समय हो गया है, लेकिन अभी तक तो इसके बारे में भी इन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया या कोई काम नहीं किया, शुरू किया है। या तो इससे जो पहले चलने वाले हैं उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, इस चलते चलते कोई भी नाली में गिर सकता है और किसी को भी चोट आ सकती है। एक दो बार तो बंदे गिर भी गए हैं इसमें, अब एक डेढ़ महीने से ऊपर हो गया, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है।